सरकार ने पूर्णिया नगर निगम मामले में मांगा रिपोर्ट, नगर आयुक्त ने जारी किया पत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फॉर भारत में, मैं आपके साथ खुशबू सांगवी। मेयर और वाइस मेयर ने पूर्णिया नगर निगम में चल रहे विवाद को लेकर जिलाधिकारी को उद्देश्य पत्र जारी किया है। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को मामले की जांच का आदेश दिया है। बताते चले कि पूर्णिया नगर निगम का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार सरकार ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। गौरतलब है कि मेयर पति के द्वारा पार्षद के साथ किए गए दुर्व्यवहार की गुंज अब दूर तक जा पहुंची है। मेयर सविता सिंह ने इस मामले के संबंध में डीएम प्रदीप कुमार झा को पूर्व में एक आवेदन सौंपा है। इसमें उपमेयर विभा कुमारी पर कई गंभीर आरोप भी लगाया है। नगर निगम पूर्णिया के प्रधान सहायक कक्ष में वार्ड नंबर 7 के पार्षद रमेश पासवान के साथ किए गए अवैध व्यवहार से संबंधित शिकायत के आधार पर डीएम के पत्रांक संख्या 3645 के माध्यम से नगर विकास आवास विभाग बिहार सरकार ने ईमेल के जरिए वास्तु स्थिति की जानकारी मांगी है। इसको देखते हुए पूर्णिया नगर निगम के आयुक्त ने एक पत्र जारी करते हुए आदेश दिया है कि निगम की बैठक या निगम कार्यालय में कोई भी अधिकृत व्यक्ति नहीं जाएगा, चाहे वो मेयर पति हो या डिप्टी मेयर के पति या फिर वार्ड पार्षद के ही पति क्यों ना हो। इस पत्र की कॉपी निगम के मेयर उपमेयर सहित सभी पार्षद को प्रेषित कर इसे अवगत करा दिया गया। आपको बता दें कि निगम में कुल 46 वार्ड पार्षद है और इसमें एक तिहाई से ज्यादा महिला पार्षद है और इन पार्षद को का काम इनके पति ही करते हैं। इसको लेकर निगम में उनका आना जाना लगा रहता है। ऐसे में पार्षदों के पति इसका कितना अनुपालन करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत। धन्यवाद।